जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सगिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतवा को याद करिए, अब पहले क्या था, सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट। देखिए आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च सदन में बयान देने की जो गलती उन्होंने की है और एक महिला के सम्मान में, इस तरह का आपत्तिजनक बयान एक मुख्यमंत्री के मुंह से कहीं न कहीं बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि वो भी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और महिलाओं पे इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना, यह मुख्यमंत्री जी का जो मार्ग भी ये जो चल रहे हैं और जिस आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, इनके विनाश का समय अब आ चुका है। मैंने आज सुबह भी बयान दिया है जिस तरह से महिला बहनों को इन्होंने किया है रोड पर अपमानित, और ठंड के मौसम में पानी की बौछार किए, महिलाओं के पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और ये अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा ताम्रपत्र ले लिया है, बाकी सारे विषय गौण है जिस तरह की इन्होंने आज अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी की। और मैं तो उस सदन में बैठने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, शायद उनके सिपे सलार महिलाओं थी, शायद वो महिला नहीं होंगी, लेकिन मैं एक महिला हूँ और मैं ये समझती हूँ कि एक महिला का अपमान एक मुख्यमंत्री के मुंह से होना ये बहुत ही शर्मिंदा का विषय है। निवेदिता जी, ये नीतीश जी ने जो इस तरह का बयान दिया है, निवेदिता जी आप किस तरीके से ले रही है? देखिए बहुत ही निंदनीय है किसी भी सदन में और किसी भी महिला के विषय में इस तरह की आपत्तिजनक बातों को उठाना और रखना, और वो भी किसी सदस्य के माध्यम से नहीं, बिहार के मुखिया ने उठाया है इस शब्दों का, तो बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी अशर्मसार हुई है। अभी तक हम लोगों ने विधानसभा में सुना था, लेकिन आज जब ये विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटा कर कहने की हिम्मत किए हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है, और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है, ये सारे लोग जानते हैं जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री है नहीं है। तो कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन की बात है, उसको तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा दे रहे विधानसभा विधान परिषद में? बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा, और महिलाओं का अपमान पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है, और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये विवेक शून्य हो गया है, ये मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं रह गए, ये नीति इनका पूरी तरह से ये अनैतिक बात करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को और संवैधानिक और अश्लील हरकत करने वाले मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में रहने का, राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। इनको मुख्यमंत्री के पद पर उस कुर्सी को इन्होंने पूरी तरह से कहा जाए कि कुर्सी का भी मर्यादा नहीं रखा और अशोभनीय है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।